हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। ज्योग्राफी का आज अपन एक नई ज्योग्राफी में आज एक अपन नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अपन बात करेंगे जो क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनकी, ठीक है। और आज से इस सीरीज में अपन पेपर यूनिट वाइज ये चीज़ें अपन कवर करेंगे। ये जो सीरीज़ रहेगी ये यूपीएससी, आरपीएससी, स्टेट पीएससी या फिर नेट जीआरएफ के लिए भी कोई प्रिपेयर कर रहा है ज्योग्राफी डिसिप्लिन के साथ में, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। या फिर जो भी स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम होती है जहाँ पर ज्योग्राफी बेस्ड अगर क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ पर भी ये डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है। तो इस सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से आपको पूरी डिटेल मिलेगी यूनिट वाइज एकदम एक्सप्लेन्ड वे के अंदर, ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि मिनिमम से मिनिमम कंटेंट में आपको बहुत कुछ समझाया जाए, पर जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर वो चीज़ अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो फर्स्ट लेक्चर रहेगा वो ये है कि यूनिट फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो आपकी बुक है उसका, और उसमें अपन पढ़ेंगे ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। ये यूपीएससी आरपीएससी इनके लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो स्टूडेंट्स हैं 11th 12th के जो स्टूडेंट्स हैं जो एनसीईआरटी बुक्स को प्रेफर करते हैं, ज्योग्राफी डिसिप्लिन से अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है, ठीक है। मतलब ये चैप्टर रहने वाला है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या है, इस यूनिट में अपन बात करेंगे ज्योग्राफी जो एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है। इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन का मतलब ज्योग्राफी खुद और साथ में पॉलिटिकल साइंस ले लो, ज्योग्राफी खुद प्लस में हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी खुद प्लस में ह्यूमन ज्योग्राफी ले लो, ज्योग्राफी खुद प्लस में इकोनॉमिक्स ले लो। इस तरीके से इनके साथ में किसी ना किसी के साथ में कनेक्टेड ज्योग्राफी को अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। जिसमें अपन क्या देखेंगे, साइंस ऑफ स्पेशियल एट्रीब्यूट। जो अभी अपन एक सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे कोई चीज़ देख सकते हैं, तो उसकी साइंस, साइंस का मतलब अपन ये चेक करेंगे कि वाई ऐसा है तो क्यों है, ये चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो उन चीज़ों से रिलेवेंट यहाँ पे थोड़ा बहुत अपन ज्योग्राफी को एनालाइज करेंगे। दूसरा सेगमेंट रहेगा कि ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपनी ये बुक है ये किस पे बेस्ड है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी पे ही मेनली फोकस रहेगा। फिर दूसरी बुक जो है वो इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड है। फिर ट्वेल्थ की जब बुक्स पढ़ेंगे तो ट्वेल्थ की बुक्स के अंदर अपने को क्या मिलेगा, एक तो इसके अंदर थॉट जो ज्योग्राफिकल थॉट, ज्योग्राफिकल जो प्रिंसिपल्स हैं वो हो गया, पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की वो चीज़ें ट्वेल्थ के अंदर आती है, ओके। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो मेनली अपन फर्स्ट टॉपिक पे फोकस करेंगे, ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, मतलब इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी को अपन स्टडी करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो अगर ज्योग्राफी को एज ए डिसिप्लिन अगर अपन देखें, तो डिसिप्लिन का मतलब अपन इसको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें, तो उस केस में अपन थोड़ा इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो आपने पढ़ाई की है उसमें बेसिकली क्या चीज़ देखा है आपने, कि कहीं ना कहीं ये सिलेबस का किसी और सब्जेक्ट का ये कॉम्पोनेंट रहा है। पर यहाँ पर अपन जैसे ही सेकेंडरी स्टेज पर पहुँच गए हैं, तो यहाँ पर ज्योग्राफी अपने को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह स्टडी करना है, उसी का पार्ट है ये बुक जिसके बारे में अपन अभी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अपन फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज जिसमें चाहे वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, और साथ में फिजिकल एनवायरनमेंट और ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इनका इंटरैक्टिव रिलेशनशिप, मतलब कि अर्थ के ऊपर कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है, कैसी सॉइल है, कैसे फीचर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर, एक तो ये रिलेशनशिप हो गया। दूसरा, ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट, उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट का या फिर अपना जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल मटेरियल है, उसका चेंज होना। तो कहने का मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट का तो ह्यूमन पे इफेक्ट और ह्यूमन का एनवायरनमेंट पे इफेक्ट, ओके। तो इन चीज़ों को यहाँ पे अपन कहीं ना कहीं कोरिलेट करेंगे जब भी अपन पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर। जैसे लेटेस्ट एक चीज़ अपन उठाएं, क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज जो है वो अपने आप में एक फिजिकल या नेचुरल प्रोसेस भी है। नेचुरल प्रोसेस जब है तो उस केस में तो ह्यूमन बीइंग को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। पर अभी क्या है, जो एंथ्रोपोजेनिक सीन, मतलब जन एक तरीके से क्लाइमेटिक चेंज है, ह्यूमन बीइंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर नेचर ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही हो,
चाहे फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा हो। तो कहने का मतलब इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, ये चीज़ अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये जो रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल हैं अपने आसपास में, ठीक है, ये जो कुछ भी होता है ह्यूमन बिहेवियर या जो कुछ भी काम आसपास में हो रहा है वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि नियर बाई क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप इंडोगेंजेटिक फ्लड प्लेन्स में रहते हो तो वहाँ पर आपको रिसोर्सेज कैसे मिलेंगे, फर्टाइल लैंड हो गई, वाटर अवेलेबिलिटी हो गई, ठीक है, प्लेन सिस्टम रहेगा अर्थ सरफेस का, तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। दूसरा, अगर इसी के कंपैरिजन में आप हिल स्टेशन में कहीं पे रहते हो तो वहाँ पर क्या होगा, आपको फर्टाइल लैंड नहीं मिलेगी, वाटर अवेलेबिलिटी, तो उसके अंदर आपको वाटर अवेलेबिलिटी में एक चांस ये रहता है कि आप वहाँ पर पानी को स्टोर कर सकते हो क्योंकि रेनफॉल कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगा, तो वाटर अवेलेबिलिटी इज ओके। बट प्लेन फॉर्मेशन अपने को खुद को बनानी पड़ती है तो प्लेन भी नहीं है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर वहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहीं इन पहाड़ों के अंदर ही एक तरीके से एनिमल हस्बेंड्री का अपन कहीं पे स्कोप यूज़ कर सकते हैं, जिनका अपन कहते हैं ना कि उनको अपन रख भी सकते हैं, फिर और जो प्रोडक्ट्स उनसे निकलते हैं उनका अपन यूज़ करके अपनी लाइवलीहुड को स्पेंड कर सकते हैं, ओके। फिर अगर अपन देखें जैसे जैसे अपन आगे टाइम के साथ में बढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी फूड हैबिट्स भी चेंज होती रहती है। अब फूड हैबिट्स अगर आपकी चेंज हो रही है तो उस पर वो किस किस पर डिपेंड करेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या आ रहा है, एडेप्टेशन क्या आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करेगी, आपके नेचुरल एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़े अपन तो फिर देखते हैं कि ज्योग्राफी का, ज्योग्राफिकल फीचर्स का ह्यूमन बीइंग पे कितना इफेक्ट है, ठीक है, चाहे वो फूड हैबिट हो, चाहे अपन कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो सारी, ओके। जैसे आप अगर हार्श कंडीशन में रहे हो, फॉर एग्जांपल राजस्थान वाले रीजन में रह रहे हो, तो वहाँ पर वेजिटेबल्स आपको अच्छी तरीके की नहीं मिल पाती है। अब वेजिटेबल्स अगर आपको सही तरीके की नहीं मिलती है तो आप जो ग्रेन है उन्हीं से आप क्या करते हो, अपनी वेजिटेबल नीड्स पूरी करते हो। जैसे आपने सुना होगा कड़ी, कड़ी क्या है, ये बेसन से बनती है, और बेसन किससे बनता है, चने से, ठीक है। अब जो आपका ग्राम है उसी से तो बेसन बन रहा है, तो अल्टीमेटली आप किस पे आ गए, ग्रेन्स पे आ गए। इसी तरीके से आप चाहे पापड़ की सब्ज़ी खा लो, चाहे आप दालों पे ज़्यादा रिलाई कर लो, चाहे आप जैसे एक लोकल है राबड़ी, ये भी जो है ये क्लाइमेटिक फीचर की वजह से ही ये सारे डेवलप हुए हैं। तो फूड हैबिट्स के ऊपर भी अपने एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। वी एडजस्ट आवर फूड हैबिट्स एंड क्लोदिंग, क्लोदिंग में भी अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में रहते हो या ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ में यहाँ पर सब लोग सूट बूट में ऐसे रहते हैं, अगर वही सूट बूट वाले साउथ इंडिया में या फिर राजस्थान वाले कंडीशंस में रहना चाहे जून में मई मंथ में, तो उनके लिए कितना डिजास्टरस हो जाएगा लाइफ स्पेंड करना। अपने यहाँ पर तो कैसी ज़रूरत पड़ती है इंडिया में कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, साउथ इंडिया में है तो वो लुंगी बांधते हैं, वो इसीलिए बांधते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और अगर ह्यूमिडिटी में आप सूट बूट पहन के रहोगे तो कितनी परेशानी हो सकती है आप इमेजिन कर सकते हो। वैसे ही जो नेचुरल रिसोर्सेज का बेस है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे आज के 1500 साल पहले की बात करें, ठीक है, 1500 ईयर्स अगो की बात करें, तो उस टाइम पे आपके पास में जो आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो टेक्नोलॉजी उस टाइम नहीं थी, ओके। तो वहाँ उस टाइम पे सिलिका, जर्मेनियम इनका कोई यूज़ ही नहीं था, ये ऐसे के ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज पड़े थे। पर आज जैसे ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ गया तो सिलिका, जर्मेनियम इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज़ करके आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाते हैं, और उन्हीं से आज अपन आप अपने फ़ोन पे या फिर लैपटॉप पे अभी पढ़ पा रहे हो। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का तरीका बदलता रहता है, ओके। फिर आगे अगर अपन देखें इसमें ज्योग्राफी के डाइवर्सिटी और इन्वेस्टिगेटिंग जो अप्रोच होती है, ज्योग्राफी क्या करती है, अपने को एक अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी एंड इन्वेस्टिगेटिंग अप्रोच प्रोवाइड करती है, जिससे अपन कॉजेज जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं अर्थ सरफेस पे चेंजेस लाने की उनकी स्टडी कर पाते हैं। जैसे आप एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट हो या एस्ट्रोनॉमी के बारे में थोड़ा आप जानते हो, तो उस कंडीशन में अपन देखें तो अर्थ के ऊपर ही क्यों लाइफ है, वीनस पे क्यों नहीं है, मरकरी पे क्यों नहीं है, और सन पे क्यों नहीं है, तो वो चीज़ें अगर अपन देखना शुरू करेंगे तो वहाँ पे उसका जवाब दे पाती है ज्योग्राफी, ठीक है।
इस तरीके ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। आजकल तो चलो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम आ गया, कंप्यूटर कार्टोग्राफी आ गई, कार्टोग्राफी का मतलब हो गया मैप ड्राइंग, ये चीज़ें अपने पास में अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेट करके कैसे भी करके नया मैप तैयार कर सकते हो, चाहे उसके अंदर आप फिजिकल देखो, चाहे पॉलिटिकल देखो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क देखो, चाहे कम्युनिकेशन नेटवर्क देखो, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आप डेटा यूज़ करके कंप्यूटर का यूज़ करके कैसे भी करके मैप ड्रॉ कर सकते हो। और पहले के ज़माने में ये प्रॉब्लम थी, ये बहुत मुश्किल हुआ करता था, ठीक है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में हो रहा है वैसे वैसे क्वेश्चंस भी बढ़ रहे हैं और उनके आंसर्स भी दिए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि ज्योग्राफी एक्चुअल में है क्या। तो ज्योग्राफी एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इसका मतलब ये होता है कि ज्योग्राफी एक तरीके से पूरी अर्थ की स्टडी होती है कि अर्थ सरफेस पे क्या है, अर्थ के इंटीरियर में क्या है और अर्थ वाकई में ऐसी क्यों है, ठीक है। तो बेसिकली अपन जब भी स्टडी करते हैं तो अर्थ को कैसे कंसिडर करते हैं, इट इज़ द होम ऑफ मैनी अदर क्रीचर्स ऑल्सो। अपन क्या देखते हैं कि ह्यूमन बींग का ही इफेक्ट अपन ने देखा है, बाकी जो एनिमल्स हैं, ऑर्थ्रोपोड्स हैं, एक्वाटिक लाइफ है, ठीक है, एवियन लाइफ है, ये भी तो अलग अलग होते हैं, इनका भी तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंस रहती है अर्थ के ऊपर, जो कि बिग और स्मॉल वे के अंदर कहीं ना कहीं अर्थ को सस्टेन कराते हैं और अर्थ उनको सस्टेन कराती है, मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं जो फिजिकल फीचर्स अपन देख पाते हैं अर्थ पे, जैसे माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यू, ओशन, लेक, डेजर्ट, वाइल्डरनेस, जो भी है, ठीक है, तो वो भी अपने को कहीं ना कहीं ये चीज़ क्वेश्चन उठाते हैं कि वाकई में ज्योग्राफी है क्या, तो इनकी स्टडी अपन करते हैं, तो वो तो हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी में। इसी के अगेंस्ट अगर आप पढ़ोगे विलेज, सिटीज़, रोड, रेलवेज, पोर्ट, मार्केट, इनके बारे में, तो ये हो जाएगा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का, क्योंकि ये चीज़ें सारे डेवलप किसने की हैं, ये तो ह्यूमन ने की हैं, और जबकि ये ऊपर वाला जो पोर्शन था वो सारा फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर में आता है। पर क्या माउंटेन्स पे आप रेलवे लाइन डाल सकते हो? नहीं। तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को मॉडिफाई किया और नीड्स को अपनी को डेवलप किया और फिर उसके बाद में आपने ये खुद की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ में ये और फीचर्स ऐड ऑन कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली डायरेक्ट अगर अपन आए कि व्हाट इज़ ज्योग्राफी, तो व्हाट इज़ ज्योग्राफी का आंसर दिया था सबसे पहले 276 टू 194 BC बिफोर क्राइस्ट की बात करें तो 276 टू 194 के टाइम पे ग्रीक स्कॉलर थे एक एरिस्टोटेलेस। क्या थे? एरिस्टोटेलेस। इन्होंने क्या जवाब दिया था कि ये जो ज्योग्राफी वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक तो जियो जिसका मतलब है अर्थ, एक और ग्रैफोस जिसका मतलब है डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल सा अर्थ है, इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पर इन दोनों वर्ड्स को एक साथ रखोगे तो वो हो गया, इट मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, अर्थ का डिस्क्रिप्शन देती है जो सब्जेक्ट, वो हो जाती है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के अगर डिफरेंट डिसिप्लिन्स की बात करें तो जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, मेटेरोलॉजी भी अपने आप में इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स भी हैं, पर आप ज्योग्राफी के अंडर में देखोगे तो इन चीज़ों को अपने को कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ता है, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी भी आ गई, देखो आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ते हैं कि आज इंडिया एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्यों है, एग्रीकल्चर बेस्ड ही इकोनॉमी क्यों है, कि उसकी वजह क्या है, फर्टाइल प्लेन्स, क्या है, फर्टाइल प्लेन्स, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट डिसिप्लिन्स के भी इसमें डिवाइड किया गया है। और आगे अगर अपन देखें तो ज्योग्राफी जो है वो अदर साइंसेज के अकॉर्डिंग ही चलती है और कहीं ना कहीं डिफरेंट भी रहती है, ठीक है। तो ज्योग्राफी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेज इन इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड मेथोडोलॉजी बट सेम टाइम एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे अगर अपन देखें तो इसमें सब्जेक्ट मैटर अपन किस चीज़ पे तो ध्यान दे रहे हैं और क्या मेथड अपन यूज़ कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को अगर अपन देखेंगे तो सेम टाइम पे अदर जो साइंस डिसिप्लिनस हैं उनके उनसे डिफरेंट मिलेगा, पर जो तरीका है और जो आउटकम है वो अपना आंसर होगा वाई का, ऐसा क्यों है, तो वो बाकी साइंसेज भी एक ही काम करती हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे देखो तो अप्रोच अलग होगी, मैटर अलग होगा, पर क्वेश्चन क्या रहेगी, जो अपनी सीकिंग होगी, जो इस तरफ अपन आंसर ढूंढना चाहेंगे वो सेम ही रहता है। फिर नेक्स्ट अगर अपन देखें कि
जो ज्योग्राफिकल स्टडीज़ जो भी होती हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान दिया जाता है वो ध्यान दिया जाता है एरियल डिफरेंशिएशन। अब ये एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, मान लो पर्टिकुलर रीजन में दो एरियाज़ को डिवाइड कर देते हैं अपन, ए और बी। अब ए रीजन के अंदर कैसे तो क्लाइमेट है, कैसा वहाँ का सॉइल पैटर्न है, क्या रेनफॉल पैटर्न है, कैसे वहाँ के लोग हैं, क्या उनकी कल्चर है, और इधर दूसरी तरफ वही सारी सेगमेंट इधर देखेंगे, तो इधर का और इधर का जो डिफरेंस होगा उस चीज़ को अगर अपन स्टडी करें, एरिया के डिफरेंस को अगर देखें अपन, ठीक है, तो वो हो जाता है एरियल डिफरेंशिएशन। और वो चीज़ अपन सबसे बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल मेथड्स का यूज़ करके। तो इसमें सिंपल सी बात क्या बोल रहे हैं कि अपन यहाँ पे नोट करते हैं कि देयर एग्जिस्ट्स वेरिएशन इन सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ सरफेस पर चेंजेस हैं फिजिकल फीचर्स में भी और कल्चरल एनवायरनमेंट में भी, तो उसकी वजह से एक फिनोमेना निकल के आता है जो कि डिससिमिलैरिटीज़ को दिखाता है, और वो क्या होता है एरियल डिफरेंशिएशन। अपन ने बात कर ली, फिर आगे बात करें तो जो कंसर्न है ज्योग्राफी का वो बेसिकली किस पे होता है, द कंसर्न ऑफ द ज्योग्राफी इज टू फाइंड आउट द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू फिनोमेना बिटवीन मोर देन वन फिनोमेना। इसका मतलब ये हो गया कि आपके यहाँ पे रेनफॉल कितनी है तो उसके अकॉर्डिंग सॉइल फॉर्मेशन को आप चेक करोगे, या फिर आपके यहाँ पे रेनफॉल है तो उसके अकॉर्डिंग एग्री प्रोडक्शन क्या है वो देख पाओगे, या फिर आपके यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है उसके अकॉर्डिंग आप कल्चरल पैटर्न को देखोगे कि फूड हैबिट क्या है, क्लोथिंग पैटर्न क्या है, किस तरीके की फैमिली सिस्टम मिलती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें डिपेंड किस पे करती है कि अपन ज्योग्राफिकली स्टडी करें कि पर्टिकुलर रीजन के अंदर किस तरीके के अपने को दो फिनोमेनाज अलग अलग हैं उनमें रिलेशन क्या है, ठीक है, वो चीज़ अपन स्टडी करते हैं ज्योग्राफी के अंडर में। और अगर आगे बात करें अगर ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन के अंदर, तो ज्योग्राफी के अंदर बेसिकली अपन क्या चेक करते हैं कि ऐसा फिनोमेना है जिसमें ह्यूमन और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन देखा जाता है, मतलब जैसे जैसे अर्थ चेंज हो रही है वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, अर्थ पे चेंजेस वो ला रहे हैं ह्यूमन बीइंग पे चेंजेस, और ह्यूमन बीइंग चेंजेस ला रहा है एनवायरनमेंट या अर्थ के ऊपर। ये चीज़ अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें सोसाइटल बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखा जाए तो अर्थ का कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड पार्ट ही रहता है, क्या, ह्यूमन, दैट मींस नेचर एंड ह्यूमन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, दे कैन नॉट बी सेट अपार्ट, ठीक है। अभी तक का ये एक इवैल्यूएशन निकल के आया है, बाकी रिसर्च अभी कंटिन्यू है कि इंसान ने जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पर एसी इंस्टॉल करके अपने आप को नेचुरल जो फिनोमेना से उनसे कहीं ना कहीं सेपरेट कर लिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक लिमिट तक ही कर पाएगा, जब तक अर्थ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है तब तक ही ऐसा कर पाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में ट्वेल्थ में आती है स्टॉप एंड गो, जो पहले तो नेचुरलिज्म आता है, फिर ह्यूमनिज्म आता है, फिर स्टॉप एंड गो थ्योरी आती है, वो आगे अपन ट्वेल्थ में अपन स्टडी करेंगे उसके बारे में। अगर अपन प्रेजेंट सोसाइटीज़ के बारे में देखें तो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, और कई बार जैसे जैसे एडवांसमेंट आता है टेक्नोलॉजी का वैसे वैसे चेंज आता है। जैसे आपने प्लो डेवलप किया, तो प्लो जैसे ही डेवलप हुआ तो आपने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी, कब, नियोलिथिक एरा के टाइम पे, कब, ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स अगो, ठीक है, उस टाइम पे आपने एग्रीकल्चर शुरू कर दी। और आप जैसे आज कम्युनिकेशन में एडवांस्ड हो तो आपने ग्लोबल विलेज तैयार कर दिया, बस वही बात है, ये ग्लोबल विलेज है उसी का रिजल्ट क्या हो गया, कोरोना आउटब्रेक, एक जगह से शुरू हुआ दूसरा चला गया। पहले क्या होता था कि हर्ड इम्यूनिटी या फिर हर्ड्स अलग अलग रहते, एक सेगमेंट यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, अलग अलग मतलब ग्रुप्स में रहते थे लोग। अब यहाँ पे अगर कोई बीमारी आ गई तो ये पूरी कम्युनिटी ख़त्म हो जाती थी, पर ये दो तो बच जाती थी, पर आपने क्या किया है, इन सबको जोड़ दिया, तो यहाँ का जो इन्फेक्शन है वो यहाँ भी आ गया, इसको भी कोलैप्स करेगा, इसको भी कोलैप्स करेगा, पर ये तीनों जब एक साथ आकर के कोई सॉल्यूशन, वैक्सीन डेवलप कर लेंगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। फिर आगे बात करें अपन तो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन के अंदर जो इंटरेक्शन होता है ज्योग्राफी का, वो अलग अलग डिसिप्लिन से अगर अपन देखें तो और भी अच्छे से अपन समझ पाते हैं। जैसे एनवायरनमेंट ने ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड की सॉइल, तो ह्यूमन बीइंग ने उससे क्या कर दिया, उसको गर्म करके, हीटअप करके कप बना दिया, नाइट बना दी तो आपने लैंप बना दिया, आपने वाइल्डनेस दे दी तो आपने हिली टेरेन दे दी और डेजर्ट दे दिया, तो फिर इसने
फ्लावर बीड्स और बेड्स और गार्डन बना दिए, मतलब फर्नीचर का यूज़ कर, कैसे भी, मतलब नेचर ने कुछ दिया और ह्यूमन ने अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अप्लाई करके कुछ नया काम कर लिया, ओके। और ये चीज़ चलती रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया कि नेचर को ह्यूमनाइज्ड कर दिया गया है, मैंने बताया था नेचुरलिज्म फिर ह्यूमनिज्म, तो इस तरीके से ह्यूमनाइज्ड नेचर एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, दिस इज क्लियर हो गई। ह्यूमनाइज्ड नेचर का मतलब ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग नेचर को आपने मॉडिफाई कर दिया, पर नेचर के अकॉर्डिंग ह्यूमन अपने आप को मॉडिफाई करे तो उसको क्या हो जाएगा, नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। ये कई बार पूछ ली जाती है चीज़, ये आपको समझ में आएगा आई होप। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपन साइंस डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी में, तो अपने को तीन क्वेश्चन मिलते हैं, तीन में से दो क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड तो हर कोई स्टडी होती है, जिसमें जनरल स्टडीज़ होती हैं, जैसे व्हाट, कि वो है क्या और वेयर और कहाँ पर है, मतलब जो चीज़ आपने देखी उसके बारे में बताया कि वो क्या है और दूसरा आपने देखा कि वो कहाँ पर है। पर साइंस का रोल कब आता है, जब ये पता करने लग जाओ कि वाई, ऐसा है क्यों, और बेसिकली हर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के पीछे यही चीज़ें होती हैं, नंबर वन व्हाट, व्हाट टू स्टडी, व्हाट एग्ज़ाम, ठीक है, वेयर टू स्टडी, वेयर टू सिट एंड व्हाट शुड बी द प्रोसेस टू स्टडी, वो सारी चीज़ें। व्हाट और वेयर जब आपको पता पड़ गया तो फिर आपको अप्लाई करना होता है वाई, और जब इन तीनों का आंसर आपको मिल जाता हो तो आपको कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिनके आंसर्स ढूंढे जाते हैं, और वाई वाला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन इसलिए बोल रहे हैं कि ज्योग्राफी अपन ने अभी तक सोशल साइंस में पढ़ी है 10th तक, अब सोशल साइंस से जैसे ही आपने ज्योग्राफी एक तरीके से सब्जेक्ट लिया है तो उस केस में क्या हो रहा है, ये आपका एक पर्टिकुलर फिनोमिनली एक इंडिपेंडेंट ब्रांच आ गई है। अब इंडिपेंडेंट ब्रांच आ गई है तो इसको आप सोशल साइंस के सेगमेंट से भी पढ़ोगे और साथ में एक साइंस की तरह भी पढ़ोगे, ठीक है। सोशल साइंस में तो आप स्टडी करते हो व्हाट एंड वेयर, जबकि साइंस में आप स्टडी करते हो व्हाई, तो ये तीनों सेगमेंट आपको यहाँ पे डील करने होते हैं, ओके। तो इसलिए ये इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है जिसमें स्पेशल एंड टेम्पोरल, ये देखो दो वर्ड आ रहे हैं, स्पेशल और टेम्पोरल। स्पेशल का मतलब एक सेकंड में या फिर एक बार में आप अर्थ सरफेस पे पर्टिकुलर रीजन में एक स्पेस में क्या क्या देख पा रहे हो, इधर प्लांट है, इधर ह्यूमंस है, ठीक है, इधर वाटर टैंक है, इधर कोई एनिमल है, इस तरीके से आप देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आपने देखा, ये तो हो गया स्पेशल। पर ये जो इतना कुछ लैंडस्केप डेवलप हुआ है, ये पहले क्या था और अब क्या हो गया, मतलब पहले अर्लियर एंड नाउ, और ये हो गया टाइम। तो इस वजह से आपने जब एक बार में देखा पहले वाला, वो तो हो गया स्पेशियल सिंथेसिस, और जब टेम्पोरल का मतलब क्या हो गया कि पूरे टाइम सीक्वेंस में आपने देखा तो कितने टाइम के अंदर ये डेवलपमेंट हुआ है, ये आप रिकग्नाइज करने की कोशिश करते हो, ठीक है। फिर मैंने जो ये चीज़ पहले ही बता दी है कि ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हुए वैसे वैसे क्या हो गया, अपनी अर्थ और ह्यूमन दोनों के बीच में इंटरेक्शन का तरीका है वो भी बदलता गया, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जाएगा वैसे वैसे सब कुछ बदलता रहेगा, ओके। अब अपन थोड़ा सा और हल्का सा एक रीडिंग मारेंगे, देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन हैज़ इंटरफेस विद न्यूमरस नेचुरल साइंसेज। अब अलग अलग नेचुरल साइंसेज के साथ में इसका इंटरेक्शन रहता है, वो कैसे रहता है वो आप देखो। ये इंटीग्रेशन अपने को समझने में ये हेल्प करता है कि किस चीज़ का किस पे कितना इफेक्ट आ रहा है। जैसे एंशियंट टाइम पे या अभी भी अगर अपन देखें तो इंडिया का, अगर आपने मैप देखा हो तो इंडिया के मैप में अपन देखते हैं कि नॉर्दर्न साइड में तो क्या है, हिमालय है, और सदर्न साइड में क्या है, इंडिया के कोस्टल रीजन है। तो हिमालयाज ने इधर से पूरा एक सिंटेक्सियल यूं ब्रेक लगता है, अपन पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, तो इधर से कोई भी इन्वेडर्स माइग्रेंट्स आए उनको हिमालय ने एक तरीके से क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, रोक दिया। तो ज्योग्राफी ने कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स सिक्योरिटी ये डिसाइड की कि नहीं, बिल्कुल की। दूसरा, यहाँ पर आपके चारों तरफ ओशन है, तो यहाँ पर जब नेविगेशन आपका डेवलप हो चुका था तो लोग आप तक आराम से अप्रोच कर पाए, और फिर अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स का रूल आया अपने यहाँ पे, अपन ने गुलामी भुगती। तो
ज्योग्राफी ने कितना कुछ डिसाइड किया, एक छोटे से एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, जितना भी एरियाज है, वहाँ पर जो भी आपकी आज की कंडीशन मिल रही है, चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर हो, चाहे कल्चरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंटरेक्टिव बिहेवियर हो, कुछ भी हो, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वहाँ के एनवायरमेंट पे, वहाँ के सराउंडिंग पे, ये अपने को ध्यान रखना है। ओके, फिर नेक्स्ट अगर अपन देखें ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन के अंदर, तो अपन देखते हैं कि ज्योग्राफी एक फिनोमिना है जो कि बहुत सारे चेंजेस से होती हुई गुजरी है। जैसे आज अगर अपन कोई भी लैंडफॉर्म देखते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, तो वो क्या क्या प्रोसेस से निकला टेम्पोरेरीली, मतलब टाइम के साथ साथ में, जिसमें लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, वेजिटेशन, क्लाइमेट, इकोनॉमिक, जैसे मैंने एक वर्ड बोला क्लाइमेट चेंज शुरू में, उसका मतलब क्या, क्लाइमेट में वेरिएशन। अब वो नेचुरल फिनोमिना भी है, बट अब एंथ्रोपोजेनिक हो गया तो अपन इससे डर रहे हैं, बट ये नेचुरल फिनोमिना भी रहा है। वो थोड़ा सा मैं आपको एलैबोरेटली हल्का सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, प्लिस्टोसिन पीरियड की जब अपन बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आएगी ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल, बहुत अच्छे से डिटेल में, बहुत नीटली क्लियर करूँगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। ये अर्थ है फॉर एग्जांपल, तो अर्थ पे अभी क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल के तो क्या है, आइस कैप है, बाकी बीच के एरिया के ऊपर क्या है, हीट अच्छी खासी बनने लग गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में रहने लग गया। अब जब वाटर लिक्विड फॉर्म में रहने लग गया, तो यहाँ पर लाइफ का एवोल्यूशन हुआ। अब मान लो ये अगर सारी पृथ्वी के ऊपर, सारी अर्थ के ऊपर जितना वाटर है, वो अगर सॉलिड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो, तो लाइफ सर्वाइव करेगी? इम्पॉसिबल। अपन भी तो पानी पीते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है। तो इस तरीके से टाइम के साथ साथ में क्या वेरिएशंस आए हैं, उनको भी अपन कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हैं। अब देखते हैं अपन ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन के अंदर कि ज्योग्राफी को अपन नेचुरल साइंस के हिसाब से देखा जाए, तो फिजिकल ज्योग्राफी और नेचुरल साइंस को अगर इंटीग्रेट करके देखें, तो इसके अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, जिनके नाम अपन एक अभी डायग्राम आएगा उसमें डिटेल में दी हुई है कि कौन कौन सी ज्योग्राफी की सब ब्रांचेज होती हैं, अगर अपन फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें। और ये बुक अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ही है, इसलिए यहाँ पर अपन फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड ही कंटेंट को देख पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखोगे आप मेटेरोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ये सारी की सारी अलग अलग ब्रांचेज हैं, और इनका एक दूसरे से इंटरेक्शन भी होता है। ठीक है, अगर इसमें अपन देखें, कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो आप एस्ट्रोनॉमी का यूज़ करते हो, अगर आपको एस्ट्रोनॉमी आनी का नॉलेज चाहिए, तो आपको मैथमेटिक्स का बेस चाहिए, मैथमेटिक्स का बेस है तो आप मैप भी ड्रॉ कर सकते हो, कार्टोग्राफी भी कर सकते हो, क्योंकि कार्टोग्राफी में क्या होता है, मैपिंग जब आप करते हो कोई भी चीज़ की, तो सपोज़ ये ग्लोब है, ग्लोब किस फॉर्म में है, जियोइड शेप में अपनी अर्थ, तो उसको अगर आप 2D में किसी एक मैप में यूँ ड्रॉ करोगे, तो आपको यहाँ से उठा के ये डेटा इंटरप्रेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो आप दिखा सकते हो मैप के ऊपर प्रॉपर, तो वो कैलकुलेशंस भी आपको करनी आनी चाहिए, तो मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो नेचुरल साइंस के हिसाब से अगर अपन देखें, तो ज्योग्राफी के जितने भी डिसिप्लिन होते हैं, उनको आप कन्वर्ट करने के लिए आपको इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होता है। दूसरा सेगमेंट जो है वो है ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस। ज्योग्राफी और सोशल साइंस की अगर अपन बात करें, तो मान लो पॉलिटिकल साइंस की आप बात करते हो फॉर एग्जांपल। अब पॉलिटिकल साइंस में तो आपने लोगों के बारे में, वहाँ के कानून के बारे में बात कर दी, जबकि आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी की जब बात करोगे, तो आपने इंडिया का जो मैप अभी देखा, आपने जो इंडिया को पॉलिटिकली डिवाइड कर रखा ऑल ओवर वर्ल्ड से, वो क्या है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी ही तो है कि हाँ हमने डिसाइड कर दिया हिमालय के इधर की तरफ चाइना आ गया, इधर पाकिस्तान आ गया, और नीचे की तरफ हम हैं, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, तो ये क्या आ गया, ये सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से आ गई। ये जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, इसमें आप यहाँ के लोगों के बारे में और यहाँ की जो लैंड सरफेस है वहाँ के बारे में फीचर्स की स्टडी भी आप करते हो, उनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी पड़ती है। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस दोनों में इंटरडिपेंडेंसी जब निकाल के लेके आते हो, तो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो होती है वो पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा ब्रॉडर व्यू आपको मिलता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी अपने आप में कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स को जब एक्सप्लेन करना शुरू करती है, तो ब्रॉडर टर्म मिलती है। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी की अगर अपन बात करें, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी की जब आप स्टडी करते हो, तो वो डेमोग्राफी को शो करना शुरू कर देती है, क्योंकि पॉपुलेशन तो चलो ठीक है सारी एक जगह गैदरिंग हो रही है, पर जब डेमोग्राफी की बात आती है, तो कितने चाइल्ड हैं, कितने यंग हैं, कितने ओल्ड हैं, उनकी स्टडी भी अपने को डिटेल में करते हैं, जो कि ज्योग्राफी अपने को अवेल करवाती है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि कभी भी कोई भी स्टडी अगर अपन करते हैं ज्योग्राफी बेस्ड, वो सारी इंटरेक्टिव रहती है। ओके, अभी आपके सामने आ गया है
फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी इन पर्टिकुलरली किस में, ये आ रहा है सारा का सारा किस में, फिजिकल ज्योग्राफी का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, इकोलॉजी हो गई, इकोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारी की सारी सॉइल से रिलेटेड चीज़ हो गई। अब सॉइल के बारे में अपन ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। मेटरोलॉजी होगी, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी के अंदर आप ओशनोग्राफी, इनके बारे में स्टडी करते हो। तो कहने का मतलब आप अंदर की तरफ देखोगे तो इंटरनली तो ज्योग्राफी फील्ड है, और बाहर की तरफ जो इंडिविजुअल और फील्ड्स हैं तो एक तरीके से ये रिलेवेंट ही हैं। मेटरोलॉजी अगर आपको आती है तो क्लाइमेटोलॉजी अप्रोच कर पाते हैं, इस तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी आती है तो जियोलॉजी भी अप्रोच कर पाते हो। तो इस तरीके से क्या है कि ज्योग्राफी जो है इंटरडिपेंडेंटली एक दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरे अदर जो जितने भी डिसिप्लिनस हैं उनसे। ओके, तो ज्योग्राफी एक सेपरेट भी है पर ऑन द एट द सेम टाइम ये कोरिलेट भी करती है एक दूसरे से। ये आप अच्छे से एक बार देख लें इसको, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो इतना नहीं है, पर हाँ जो स्कूल एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लें इनको, कि जैसे पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी के अंदर क्या सॉइल डेवलपमेंट, सॉइल की माइक्रो लेवल तक की स्टडी होती है, जबकि ज्योग्राफी में अपन सॉइल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इसी तरीके से फिलोसॉफी की बात आती है तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल थॉट्स कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ, ज्योग्राफिकल थॉट्स का ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा अपन स्टडी कर सकते हैं, आप एक एक डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो, और ऐड अगर आ रहे हैं आपके चैनल आपके वीडियो में तो प्लीज़ पूरे देखिए एड्स को। थैंक यू।